वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल सेट 5। अभी तक मैंने अलग अलग वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 1 से 23 तक एक्सप्लेन कर दिया है, और आज का जो वीडियोज है वह आगे के एक्सप्लेनेशन के लिए है। यानी आज जो एक्सप्लेनेशन हम करने जा रहे हैं वह स्टार्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 24 से। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। और ये देखिए, आ गया ग्रामर आपका हो चुका था, अब हम लोग यहाँ आ गए लिटरेचर में। ठीक है, टोटल 17 क्वेश्चन है और इस वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि इसको पूरा ही कर दूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखो आपका पैसेज है जो कि बुक से ही है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट, आपको पता चल गया होगा अ लेटर टू गॉड का ये पैसेज है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन मैं करना जो है आवश्यक नहीं समझ रहा हूँ, यहाँ पर आपको पता ही होगा। तो मैं सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। व्हाट वॉज द लास्ट होप ऑफ लेंचो, लेंचो की अंतिम उम्मीद, अंतिम आशा क्या थी? तो हेल्प फ्रॉम गॉड, आप देखो कहीं है हेल्प फ्रॉम गॉड, यहाँ पर है। तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन हो गया। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मेन, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन, कहता है लेंचो जो है ना मैन के रूप में एक बैल था, इसका मतलब बहुत ही लेबोरियस था, हुआ हार्ड वर्किंग मैन था। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन आप देंगे। टू होम डिड लेंचो राइट अ लेटर, किसको लेंचो ने लेटर लिखा? तो गॉड को लिखा, कोई डाउट ही नहीं इसमें। Which word in the passage means soul? Soul का synonyms आपको खोजना है, तो आप कहोगे conscience, ये वाला। अब ये extract है, आप देख लो, poem है आपकी किताब से। ठीक है, but if it had to perish twice, ठीक है, fire and ice एक poem है आपकी बुक में जिसे लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द पोएम, पोएम का नाम, तो ये रहा। ठीक है, 29 में क्या पूछा, नेम द पोएट, भाई पोएट का नाम अभी बता ही दिया था आपको, यहाँ रहा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 30, हाउ विल द वर्ल्ड कम टू एन एंड अकॉर्डिंग टू द एबव एक्सट्रैक्ट। अच्छा, एक्सट्रैक्ट के हिसाब से आपको देखना है। तो देखो, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, हेट के चलते यानी नफरत के चलते। देखो नफरत इसमें किधर है, ग्रोइंग हैट्रेड, ये वाला। 31, व्हिच वर्ड्स आर राइमिंग विथ ट्वाइस, ट्वाइस के साथ सफाइस देखेंगे हम, ये रहा मेरा सफाइस यहां पर। व्हिच वर्ड्स आर राइम, ये तो हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट, व्हाट डिस्ट्रॉयड द पैडी क्रॉप्स ऑफ लेंचो, चलो लेंचो के पैडी क्रॉप्स को, यानी कौन सा क्रॉप था ये तो नहीं लिखा यहाँ पर, ये कैसे पता नहीं, कैसे पता चला कि इसको पैडी क्रॉप्स था, चलो ऐसे कुछ मेंशन नहीं है। जिस आंसर मेरा होगा हेवी हेल स्टोन्स। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, भाई ये तो बिल्कुल आसान है, हमारे क्लास के बच्चे को पता है। ठीक है, चलिए उसके बाद, वाई वॉज द सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, देखो भाई अपने नीचे उन्होंने देखा कि वास्ट ओशियन है, तो ये वाला। ठीक है, हालांकि बिफोर लिखा है कोई बात नहीं है, चलेगा। वाई डज द नरेटर से दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ठीक है, ये है डायरी फ्रॉम एनी फ्रांक का। ठीक है, तो इसमें ये नी फ्रांक का स्टेटमेंट है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, मैंने आपको बताया था ऐसा क्यों कहा गया।
कि पेपर अपनी सीक्रेसी को कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता, ये मेंटेन करता है। तो बिना सोचे समझे आप इस पर चले जाना, ठीक है। नंबर 36, हु इज रिस्पॉन्डिंग फॉर ट्रिकिस सॉरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकिस पुअर हेल्थ। तो भाई उसके घर में तो कोई है नहीं ना, मिस्टर हैरियट मिसेस पंपरी के अलावा भला कौन हो सकती है ऐसा। खिला खिला के उनको बीमार कर दी। वट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ए ट्रायंफ ऑफ सर्जरी। कहते हैं इससे हमको क्या सबक, क्या इससे हमको सीख मिलती है, ये बताना है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड, ठीक है। अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज में, किसी भी काम में। चलिए 38 में, why was it a temptation to keep Tricky as a permanent guest? परमानेंट गेस्ट बनाकर मिस्टर हैरियट रखना चाहते थे। तो कहता है एक टेम्पटेशन, एक लालच थी है। क्यों? क्योंकि भाई ट्रिकी वॉज रिकवरिंग, नहीं ये भी नहीं होगा, दे वेयर एंजॉइंग एक्स वाइन एंड ब्रेंडी, वेरी गुड, यही होगा। 39, हु इज अनिल इन द स्टोरी द थीप स्टोरी। देखो देर स्टूडेंट्स, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। आप कहोगे द थीप्स स्टोरी यहाँ पर, तो द थीप्स स्टोरी का यहाँ पर जो चैप्टर आपने पढ़ा है, स्टोरी पढ़ा है, जिसमें कहता है अनिल क्या है, कौन है अनिल, तो एक राइटर है यहाँ पर, मैगजीन वगैरह के लिए लिखता था वह। वाई डज द थीप डिसाइड टू स्टील अनिल्स मनी। कहता है वह चोर अनिल के पैसे को चुराने का फैसला क्यों करता है, क्यों उन्होंने पैसा चुराया। तो इसका देखो सबसे बेस्ट रीजन तो यही देना है, अनिल डजंट पे हिम एनी मनी, अनिल उसको कोई पैसे देता नहीं था काम के बदले। और ये सब तो नहीं होगा, अनिल इज नॉट काइंड, नहीं भाई, अनिल उसका बड़ा ख्याल रखता था, अनिल डजंट टेक केयर ऑफ, नहीं ख्याल तो रखता ही था, दया भी उसके प्रति थी, डजंट गिव हिम प्रॉपर फूड, नहीं फूड भी देता था। तो ये सब तीनों गलत, ये वाला सही। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका 40 का 40 क्वेश्चन मॉडल सेट 5 का मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप दिस वीडियोज और वी कैन से दिस दीज वीडियोज बिकॉज देयर आर आई थिंक 4 वीडियोज ऑन दिस मॉडल सेट। So all these videos must be helpful to all of you, ठीक है। तो भाई सभी students अवश्य ही देखें इस videos को और channel को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को subscribe करने के लिए motivate करें, videos को like करें, share करें, और यदि कोई query है आपकी, कोई question है, तो आप अवश्य comment करें। Thank you, जय हिंद, जय भारत।